बस बहरंग अस्सलामुअलैकुम। आज हम सोच से निकल रहे हैं और हमने शिमशाल जाना है। सारी ऑफ रोडिंग है और 54 किलोमीटर है यहाँ से, फिर भी हमें मिनिमम 3 आवर्स लग जाने हैं क्योंकि आगे पशु इन से हमने टर्न लेना है और ऊपर सारी चढ़ाई है और वहाँ पे भी सारा ऑफ रोडिंग होगी। अभी कुछ है 10-12 किलोमीटर, वो ठीक रोड होगा, आगे सारा ख़राब है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि मैं 2 माइक लाया था और दोनों ही ख़राब हो चुके हैं, तो साथ कमेंट भी होना मुश्किल है। मैं थोड़ी वॉइस ओवर करूँगा इसमें, फिर आगे जाके देखते हैं आगे कहीं शॉप वगैरह से मिलते हैं। इधर से तो मैंने पता किया कहीं से भी नहीं मिल रहे थे, मोबाइल वाले मिल रहे हैं सारे, कैमरे वाला कोई भी माइक नहीं मिल रहा। फिर आगे चलते हैं रास्ते में, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। यहाँ से ये रास्ता शुरू हो रहा है शिमशाल वैली का। से अब शिमशाल वैली जाएंगे, सारा ऑफ रोड होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है सीन। हेलो चल रही है, चल रही है, बन रही है वीडियो। वी आर गोइंग टू शिमशाल वैली। ओह माय गॉड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने भी बोलना सर, इंशाल्लाह। चलो चलो शिमशाल चलो। इधर जाना है, आ जाए शमशाल। 3 घंटे लगने हैं, 3 घंटे ये साहब काबू होके। वो वाली पुल बन की हुई है लकड़ी वाली, अब ये न्यू पुल बनी हुई है, उसके अंदर आप कर रहे हैं दरिया को। दिन तो सारी उतराई आ रही है, अभी चढ़ाई आएगी तो पता चलेगा तो क्या माहौल है और क्या सीन बन रहा है। आई थिंक चेक पोस्ट है, वो देखते हैं क्या बाइक वालों को नहीं रोक रहे, नहीं रोकूंगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री फीस ना, अगर है तो एंट्री कराते हैं, फिर यहाँ पे आगे जाएंगे। यहाँ भी एंट्री फीस है, सारे बैठे हैं।
एंट्री करानी है, एंट्री करा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे अभी शिमशाल वैली की तरफ। ये दो गाड़ियाँ भी शायद इसी तरफ जा रही हैं। लेट है सर, ये उस्ताद आपको बताएगा, हम भी आगे जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं। देखो कि को रतन का क्या क्या लिखना है हर बंदे ने लिखना है कि एक नहीं सबका 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 नंबर चार है यार, दस है, आठ है, आठ है, सब को सब को इत्तेदार खुलमा का भैया सबके। इकबाल साहब आ जाएं, आईडी कार्ड लेके, आईडी कार्ड लेके सबकी होगी, आईडी कार्ड लेके आ जाएं, सबका होगा इंद्राज। हाँ जी, ये जी हमें चौकी से निकले हुए अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, और यहाँ से ज़रा बजरी वगैरह ज़्यादा आ गई थी, नीचे उतरा ही है सारा। यहाँ से आगे जा रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता रोड ज़रा ख़तरनाक हो रहा है, फिर आगे आगे चलते हैं, जैसे जैसे कहीं आएगा पॉइंट तो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये करीबन 3 घंटे का सफ़र था और हमें अभी 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं। ये टोटल 55 किलोमीटर का है सफ़र, लेकिन ऑफ रोड होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। रेड पहाड़ शुरू हो गए नीचे, ये मेरे मारता ओ भैया। जंगल आ गया, जंगल यहाँ पे जब रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है, यहाँ पे तो हमारे बाइकर्स काफ़ी पीछे हैं अभी,
नज़र ही नहीं आ रहे, शायद नज़र आ रहे हो तो वो आ जाएं, फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाकी बाइकर आ गए हैं तकरीबन, जिया साहब हैं, इनको आगे निकालना पड़ेगा आई थिंक, इनसे बाइक नहीं होगी। तो साके भाई जा रहे हैं, इनको धक्का वगैरह लगाएंगे। ये साहब आ गए, संदेश साहब, पसंद पट साहब जाएंगे पीछे, हमारे अमीर वो आएंगे तो फिर आगे निकलते हैं। और आगे सस्पेंशन ब्रिज आ गई है, काफी तेज हवा चल रही है, ओह माय गॉड, तेज हिल रहा है। हाय 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 हाय, आइए चास आज चास आइए। हां ओ चिल्ली को तैयार छ था देवी जी जी साहब से पूछेंगे, उन्हें मजा आ रहा है। यहां पे जरा ओपन जगह आई है, यहां पे थोड़ा स्टे कर रहे हैं। हमारे दो जवान पीछे थे, उनका वेट किया। हेलो यंग मैन, जवान नंबर एक, जवान नंबर टू। ठीक है साहब, ठीक है। हाय, वी आर गोइंग टू शिमशाल वैली, इंशाल्लाह। वेरी डेंजरस रोड, द डेंजरस रोड ऑफ पाकिस्तान एंड ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड डेंजरस रोड, सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अल्हम्दुलिल्लाह,
हाय शमशाल जाते हुए ये तीसरा सस्पेंशन ब्रिज आ गया। अरे इस रास्ते पे सस्पेंशन ब्रिजेज भी आ रही है। बिल्कुल नाली की शक्ल में दरिया गुजर रहा था। और बहुत ही कठिन रोड करने के बाद हम इस वक्त शिमशाल के बिल्कुल पास पहुँचे हैं। ये इस वक्त हम मलंगुटी ग्लेशियर पर पड़े आए हैं जी। ये हमारा पड़ाव पड़ा इधर सारा और अलहमदिल्ला बहुत ही मुश्किल रोड था। आ चुके हैं हम इधर और 15 मिनट के रास्ते पर शिमशाल वैली है, वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे हम इंशाल्लाह। बहुत ही ब्यूटीफुल ये जी। अभी शमशाल वैली की तरफ जाते हुए हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है मलंगुटी ग्लेशियर के करीब। ये सारा जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ये सारा ग्लेशियर है जो आपको यहाँ से फील हो जाएगा। दूर से पता चल रहा था जैसे कुछ सारा कोयला ही पड़ा हो, कोयले का पहाड़ हो, लेकिन ये असल में सारा बर्फ़ है, ग्लेशियर है सारा। और ये जो पीछे आपको चोटी नज़र आ रही है ये मलंगुटी ग्लेशियर है, चोटी है और ये ग्लेशियर है। एक्चुअली मलंगुटी पीक इस पहाड़ के पीछे है, ये नहीं है, थोड़ी सी तब्दीली। एक दो फिर जिंदाबाद एडवेंचर बाइक राइडर जिंदाबाद। इकबाल साहब तुसी ओके सर। ये आगे दरिया क्रॉस करना है हमने, वाटर क्रॉसिंग है। काफी तेज बहाव पानी का बहाव काफ़ी तेज है। तो ये ओरिजिनल एक्चुअली दरिया नहीं है, दरिया का छोटा सा रास्ता है। मैं चला मैं जावा फंस गया था, पानी काफ़ी ठंडा ज़्यादा ठंडा है। क्या कह रहे हो? आ जाओ नहीं जाना, इतों भी आओ मज़ा आएगा। यहाँ पे जी एक वाटर क्रॉसिंग आई है, भट्ट साहब और मैं क्रॉस कराए हैं। पहले हिम्मत करके अपनी टांगे वगैरह गिली करके
शूज़ गीले करके। अब बाकी साथी खड़े हैं जिन्हें क्रॉस करना है, ये जैसे इरफान साहब आ रहे हैं पैदल। अभी ये ह्यूमन क्रॉसिंग हो रही है और अब बाइक क्रॉसिंग होगी। एक हो गया बाकी रह गए 1, 2, 3, 4, 5 बाइक। कोटेशन गरम पानी है। चांद भाई बच गए, नहीं बचे। अब आ रहे हैं जी हमारे ग्रुप के फेमस बंदे हाइकर बाइकर इकबाल साहब। ओ गई बच गई। शूज सबके गीले, गर्म पानी फुल। अमीर साहब सबको क्रॉसिंग करा रहे हैं। मजा आसी चले जोया साहब आसन जैसा तुसा नहीं आना मैं आवा जियो जियो। शाल नाला क्रॉस कर रहे हैं जी। ये है बहुत ही बड़ा नाला जो कि अपनी मददाब के क्रॉस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक और राइडर निकल आया है। बहुत गहरा है, बहुत तेज पानी है। किस तरह का माहौल है जी ये देखिए। ये जोया साहब क्रॉस करते हुए जोया साहब दी ग्रेव, जोया साहब दी ग्रेव, जोया साहब दी ग्रेव। ये हमारे सारे बाइकर आ चुके हैं जी शमशान नाला क्रॉस किया हमने। रास्ता बहुत कठिन है, एंजॉय बहुत कर रहे हैं ये देखें जी। हम किसी को मिस नहीं कर रहे हैं, हम बस जलील हो रहे हैं, एंजॉय कर मिस कर रहे हैं। मामा जी आप बच गए हैं चढ़ने से। मामा यूसुफ एक और झरना क्रॉस कर ले है, मजा आंदा शब शब हूँ। जी साहब जी साहब जी साहब तुसा रह गए जी। शमशाल में पहुंच चुके हैं अमीनाबाद में। यहाँ से आगे शमशाल पास है, 5 दिन का सफ़र, 3 दिन जाते हुए 2 दिन आते हुए। और एक इधर ग्लेशियर व्यू पॉइंट है, तकरीबन उसका 5 घंटे का सफ़र है, वो करेंगे इंशाल्लाह हाइकिंग। बाकी बड़ा खूबसूरत गांव है। अब यहाँ बैठ के हम चाय एंजॉय कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वी आर एट शिमशाल वैली, गेस्ट हाउस वगैरह डन हो गया। अब यहाँ पे बैठ के ज़रा धूप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवर हमने क्रॉस किया था वो बहुत ठंडा था। अब यहाँ बैठ के एक चाय इंजॉय की है। अब सामान वगैरह अंदर शिफ्ट कर रहे हैं।